अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के एक सदस्य को मोहम्मदाबाद थाना पुलिस ने चोरी की बाइकों के साथ दबोच लिया है। यह जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने आज पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि आज मोहम्मदाबाद थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के एक सदस्य अरविंद पुत्र आशाराम निवासी खरथौला थाना जसरतपुर एटा को मुखबिर की सूचना पर नगला बाग जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस को 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। सर आज क्या खुलासा है? पुलिस अधीक्षक प्रत्येगढ़ महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ होती है, विशेष अभियान चलाए गए। इस अभियान में थाना मोहम्मदाबाद टीम को सी मोहम्मदाबाद के साथ भारी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक अभियुक्त है जो कि अंतरजनपदीय है, विभिन्न जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी करके लाके में बेचता था। इससे 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अभियुक्त काफ़ी साथी किस्म का है। इसके साथ ही एक दो और हैं जो कि गोपनीय हमें बता नहीं पा रहा नाम उनका, वो मौके से फरार हो गए हैं। उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर अन्य जनपदों से भी बाइक चलाई? जैसे मैंने कहा कि अभियुक्त अंतरजनपदीय है, ये फिरोजाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, बरेली, अन्य जनपदों से मोटरसाइकिलें चोरी करके लाके बेचता था, जिसके पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पहले कोई मुकदमा दर्ज है? पूर्व में जो सर, अभी जैसे मैंने कहा कि पूर्व में मुकदमे, पूर्व में जो सर अभी बाइक के जो ग्रोह पकड़ा गया था उनसे इनका कोई लिंक वगैरह है? उसके लिंक के भी हम लोग छाते हैं, लिंक भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी पहली बार पकड़ा गया है ये हमारे यहाँ। बाकी अन्य जनपदों से भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगवा रहे हैं हम। ये 5 मोटरसाइकिलें से बरामद हुई। जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं वो किसी मुकदमे में? हाँ, जैसे मैंने कहा कि अन्य जनपदों से, जैसे बरेली से, फिरोजाबाद से, गाजियाबाद से, वहाँ से मोटरसाइकिल लेके आया था और वहाँ से इसका लिंक मिला है। एक बल्कि मैं इनको दिल्ली से भी एक मोटरसाइकिल चोरी की है, वो भी बरामद हुआ है, तो वहाँ भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। सर ये कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला एटा का है, जैतरा एटा, जसरतपुर एटा।